तो नमस्कार है दोस्तों आप सभी का, और जैसा कि बोला जाता है नमस्कार हजरात हजरात हजरात। गैंग्स ऑफ वासेपुर देखे हैं? नहीं देखे हैं? देख लीजिएगा, बहुत अच्छा है। मतलब कि क्या जान में जान से आ जाए, मिर्जापुर, गैंग्स ऑफ वासेपुर, ये सब देखना चाहिए आप लोग को इस एज में, ठीक है, ताकि थोड़ा सा उमंग उत्साह बढ़े। लेकिन उससे कोई बुरी सीख नहीं लेना है यार, वेब सीरीज देखिए लेकिन उससे बुरी सीख नहीं लेना है। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी ऑनर्स बीए, हिंदी ऑनर्स सेमेस्टर 4 का कोर पेपर 10, और इसमें जिनका भी सब्जेक्ट, एक मिनट रुकिए, हाँ, तो जिनका भी सब्जेक्ट हिंदी उपन्यास में है, कोर पेपर 10 में सेमेस्टर 4 में हिंदी उपन्यास अगर आपका सब्जेक्ट है तो डेफिनेटली आपके क्वेश्चन इसी टाइप से आएंगे। और अगर हिंदी उपन्यास नहीं है तो एडमिट कार्ड में देखिए यार, कोर पेपर 10, हाँ, हिंदी उपन्यास लिखा हुआ है, एकदम क्वेश्चन पेपर को कॉन्स्टेंटली सुनिए, ठीक है। आपका अगर है हिंदी उपन्यास कोर पेपर 10 में तो आ जाएगा, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे डेफिनेटली, ठीक है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं ऑल ओवर इंडिया से। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हिंदी उपन्यास में। देखिए 2022 में एक यूनिवर्सिटी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन पेपर है, समय 3 घंटे दिए जाते हैं, फुल मार्क्स 80 होता है। अब आइए देख लेते हैं, तो यहाँ पे आपका पहला है 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, पहले 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 है निर्मला का प्रकाशन वर्ष कब हुआ, जो निर्मला उपन्यास है यह प्रकाशन वर्ष कब हुआ। दोस्तों निर्मला प्रेमचंद की एक बहुत ही अच्छी कृति है जिसमें समाज में विशेष रूप से दहेज प्रथा, डोरी सिस्टम के बारे में दिखाया गया है, और एक अनमोल ब्याह के विवाह के बारे में दिखाया गया है। तो निर्मला का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था, 1927 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, 1927। आपने अगर इसकी मूवी नहीं देखी है तो देख लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है यार, डीडी नेशनल में आपको मिल जाएगा, मूवी नहीं एक तरह से सीरियल जैसा है, 5-6 पार्ट में है। अगला है कि प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था, तो प्रेमचंद का जन्म हुआ था 1880 ईस्वी में। प्रेमचंद कलम का जादूगर कहा जाता है, ठीक है, और जब प्रेमचंद को कोई बोलता था कि अरे यार आप तो, मतलब जब उनकी तारीफ करते थे, ठीक है, तब प्रेमचंद बोलते थे कि देखियो ये भाई मैं तो सिंपल कलम का मजदूर हूँ, आप भी मजदूर हैं, मैं भी मजदूर हूँ, आप बस, मतलब कि एक तरह से बहुत महान आदमी थे यार, कभी घमंड नहीं करते थे, ठीक है, उस तरह से हमें भी करना है, चाहे कितनी भी ऊंचाई को छोड़ें घमंड नहीं करना है। कोई पूछे अरे यार मैं तो कलम का मजदूर हूँ, मजदूरी करता हूँ मैं भी, आप भी मजदूरी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रथम उपन्यासकार माने जाते हैं, तो सबसे प्रथम जो उपन्यासकार माने जाते हैं उनका नाम है लाला श्रीनिवास दास, ठीक है। आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि आंचलिक उपन्यासकार कौन है, तो आंचलिक जो उपन्यास है वह लिखिए फणीश्वर नाथ रेणु जी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है 5 नंबर कि भगवती चरण वर्मा की रचना कौन सी है, तो भगवती चरण वर्मा की बहुत सारी उपन्यास हैं लेकिन चित्रलेखा इनकी सबसे फेमस उपन्यास है, ठीक है, चित्रलेखा। नाम सुनने से ही लगता है कि यार कुछ अजीब है, मतलब अनोखा है, समथिंग डिफरेंट। 4 नंबर है निर्मला किस प्रकार का उपन्यास है, तो निर्मला दोस्तों एक ऐतिहासिक उपन्यास है प्रेमचंद की, प्रेमचंद की जितने भी उपन्यास है, पुष की रात पढ़िए, चाहे बूढ़ी काकी पढ़िए, ठीक है, बहुत सारे उपन्यास हैं, आपको एकदम हार्ट तक छू जाएगा। आप गोदान पढ़ सकते हैं, बड़े घर की बेटी पढ़ सकते हैं, मैंने पढ़ा है, बहुत अच्छा लगता है। निर्मला उपन्यास किस पर आधारित है, तो निर्मला जो उपन्यास है पहला तो है दहेज प्रथा और दूसरा है अनमेल विवाह, ठीक है, अनमेल विवाह, इन दोनों पर आधारित है। क्वेश्चन है कि सेवा सदन किसकी रचना है, तो सेवा सदन भी प्रेमचंद की ही रचना है, प्रेमचंद का ही उपन्यास है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब आता है यहाँ पे आपका ग्रुप बी, और इसमें आपको 4 अंकों वाले 2 प्रश्नों के आंसर करने हैं, एंड प्रश्नों का आंसर कीजिएगा आप लोग कितने वर्ड्स में, लगभग ऑलमोस्ट समथिंग कर दीजिए ना यार, 50 से 100 शब्दों के बीच में, ठीक है, एक खड़ा पन्ना का एक साइड ये काफी हो जाएगा, 4 में से केवल 2 बनाने हैं। देखिए आपके 4 ऑप्शन में दिए गए हैं, पहला है कि निर्मला का चरित्र चित्रण करना है, अगर आप निर्मला जो उपन्यास पढ़े हैं तो उसमें चरित्र चित्रण करना है कि कैसी है बोली व्यवहार, मतलब सब कुछ यार आप समझ गए होंगे। 6 नंबर है कि उपन्यास के तत्व क्या हैं, उन तत्वों को लिखना है, पॉइंट वाइज करके लिख दीजिए। आगे देखिए तो 9 नंबर में पूछा गया है कि उपन्यास की परिभाषा बताइए, उपन्यास किसे कहते हैं। 9 नंबर है प्रेमचंद का साहित्य परिचय कीजिए, ठीक है, साहित्य परिचय देना है प्रेमचंद का। अब आते हैं सभी आपके 16 मार्क्स वाले क्वेश्चन, एंड इसका आंसर करना है आपको
केवल चार, ठीक है। 16 अंक वाले के लिए चार प्रश्नों के आंसर करने हैं, एंड इसका आंसर कीजिएगा आप लोग कितने शब्दों में, मैक्सिमम 400 शब्दों में, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है यार। अगर आपको लिखना ही है तो सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखिए, जो बोलते हैं ना कि एग्जामिनर जो चेक करे उसका हाँ मूड बन जाए, मिजाज बन जाए यार कि वाह क्या लिखा है। राइटिंग देख के कभी कभी किसी का राइटिंग देख के आदमी का मन खुश हो जाता है, वो अगर आप खुश कर दिए ना एग्जामिनर का, ठीक है, और अगर आपका टू द पॉइंट में है तो अंक बारिश होगा ही होगा, और टू द पॉइंट में हो या ना हो बस एक राइटिंग अगर अच्छा है तो मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। कौन नंबर है कि हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालें, कि हिंदी का उपन्यास का उद्भव कैसे हुआ और इनका विकास कैसे हुआ, इनके विकास में किन किन कवियों का योगदान रहा, इन सब चीज़ों को बताना है। उपन्यासकार बोलते हैं, सॉरी उपन्यास जो लिखते हैं उनको उपन्यासकार बोलते हैं। ख नंबर है हिंदी उपन्यास के विशेषताओं को उद्घाटित करते हुए उसके भेदों पर प्रकाश डालिए। आगे देखते हैं ग नंबर, तो इसमें पूछा गया है कि निर्मला उपन्यास की समीक्षा करते हुए उसके उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं तो ग नंबर, इसमें पूछा गया है कि हिंदी उपन्यास के विकास में प्रेमचंद को रेखा अंकित करें, हिंदी उपन्यास में प्रेमचंद का कहाँ तक योगदान है, उन सब चीज़ों को बताना है। और अंग नंबर है निर्मला उपन्यास की कथा वस्तु को लिखें। च नंबर है कि तोताराम का चरित्र चित्रण करें, तोताराम कौन है, किस उपन्यास का पात्र है, इन सब चीज़ों को बताना है और उनका चरित्र चित्रण करना है, उनका चरित्र कैसा है, ठीक है, किस स्वभाव के आदमी है। छ नंबर है स्वामी जी ने हमेशा मुझे अविश्वास की दृष्टि से देखा, लेकिन मैंने कभी मन में भी उनकी अपेक्षा नहीं की, जो आगे देखते हैं जो होना था वह हो चुका था, अधर्म करके अपना परलोक क्यों बिगाड़ती है, यह कथन किस प्रसंग का है, प्रसंग का नाम बताना है, उपन्यास का नाम बताना है, लेखक का नाम बताना है और इसके भावार्थ को भी लिख दीजिए, ठीक है। ज नंबर देखते हैं तो क्वेश्चन तो थोड़ा लंबा चौड़ा है, आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि मातृ प्रेम में कठोरता होती थी लेकिन मृदुता से मिली हुई, मातृ प्रेम जो माता का प्रेम होता है वह कठोरता होती थी लेकिन मृदुलता से मिली हुई, इस प्रेम में करुणा थी पर कठोरता न थी, जो आत्मीयता का गुप्त संदेश है, जो आत्मीयता का गुप्त संदेश है। स्वस्थ अंग की परवाह कौन करता है, लेकिन वही अंग जो किसी वेदना से फटने लगता है, सही बात है दोस्त, जब किसी को चोट लगती है ना किसी अंग पे तब उसको महसूस होता है कि अंग जो वेदना से टपकने लगता है, वेदना से टपकने लगता है, उसे ठेस और धक्का बचाने का प्रयत्न किया जाता है। कथन का सप्रसंग आशय स्पष्ट करें। तो ये थे आपके क्वेश्चन हिंदी उपन्यास के, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो आपके क्वेश्चन डेफिनेटली यहीं से आएंगे, अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी उपन्यास है तो सेमेस्टर 4 कोर पेपर 10 या फिर कोई भी पेपर हो यार हिंदी उपन्यास होना चाहिए। और एक चीज़, इसके बाद आपका जेनरिक इलेक्टिव का पेपर होता है, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट जेनरिक इलेक्टिव हो सभी के क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, ठीक है। और मुझे लगता है कि यूट्यूब में मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि मेरे बड़ा भाई हो यार, सबसे मतलब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पेपर ग्रेजुएशन के हमारे ही चैनल पर अपलोड किए जाते हैं, ठीक है। एंड सेक का पेपर हो चाहे जेनरिक इलेक्टिव का हो सब कुछ मिल जाएगा आपको, एंड सिलेबस भी दे दिया गया है, तो सिलेबस तो उतना नहीं दे पाते हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनके ही सिलेबस हम दे देते हैं, ठीक है। एंड इसका PDF का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जेनरिक इलेक्टिव भी जल्द ही अपलोड कर दिए जाएंगे, थैंक यू। एंड अपलोड कर दिए गए प्रीवियस ईयर के, आप उसे भी जाकर के देख सकते हैं, 2022 का अपलोड कर दिया जाएगा जल्दी, जैसे मुझे समय मिलता है अपलोड कर देता हूँ, थैंक यू। वैसे मेरा भी एग्जाम है यार, ठीक है, धन्यवाद।